आई गेस इट्स वी प्लेइंग ऑन अ न्यू स्ट्रिप सो आई गेस थोड़ा आइडिया हो जाएगा सेकंड बैटिंग करने में. और दूसरा ये है कि ड्यू फैक्टर इज ऑलरेडी देयर विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस गेम जो पहला मैच हुआ था. और यही दो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसपे आई गेस वी हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. ये बताएं कि ज़ाहिर है टीम में काफ़ी प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं, लेकिन इस दफ़ा सुना यही था कि जालमी जो है थोड़ा सा अपनी टीम का ब्रांड चेंज कर रहा है क्योंकि नए प्लेयर्स लेके आ रहा है. आई एम सो सॉरी बिकॉज इट्स सो लाउड दैट आई डिडंट हियर यू प्रॉपर्ली. कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है प्लेयर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस दफ़ा सुना ये था कि ज़्यादा और नए प्लेयर्स आएंगे और थोड़ा सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी चेंज किया जाएगा क्योंकि काफ़ी अरसे से एक ही टीम जालमी की खेल रही थी. बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कशन में थी, बट जलमी का यही गोल था कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ दो तीन ऐसे नए ऐड किए जाएं जो और ज़्यादा लंबा खेल सके. तो आई गेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वे द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑफ कोर्स यू फॉलो दैट. याद मेरे ख्याल में तो एक स्टेप आगे होना चाहिए आपको, लेकिन ये है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स एज अ मैनेजमेंट यू गिव कॉन्फिडेंस स्पेशली टू योर यंगस्टर्स. और यही इस ड्रेसिंग रूम में भी है. और आर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टुडे, देखें आप काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो है वो खेल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 5 कैप्स बांटी हैं डेब्यू. चलिए मैं आपसे टीम नहीं पूछूंगा. नहीं मेरे मुझे सारे याद हैं. यंगस्टर आप ही हैं, मुझे सारे याद हैं. थैंक यू. सरफराज टॉस हार गए, लेकिन इस दफ़ा आपने जो पिक्स की हैं लग रहा है कि क्वेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है. जी बिल्कुल, ऑन पेपर जो है टीम हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. हम कोशिश करेंगे कि एक राइट कॉम्बिनेशन बनाएं और टूर्नामेंट में फिर इसको आगे लेके चलें. ये बताएं कि कल का मैच शायद आपने देखा हो तो बहुत स्पिन कर रहा था. आपके पास ऑप्शंस हैं, इफ्तिखार भी आपने ट्रेड किए हैं, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन? देखिए बिल्कुल, चीज़ें हमारे पास पूरी हैं, हमारे पास स्लॉट हमारी पूरी हैं. इफ्तिखार का अच्छा ऑप्शन है, एक अशर कुरैशी हैं, बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो इस बार टीम का हिस्सा है. नवाज हैं, शाहिद भाई इंशाल्लाह जल्दी टीम को ज्वाइन करेंगे, तो चीज़ें हमारे पास पूरी हैं. फास्ट बॉलिंग का स्लॉट भी अच्छा है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी टीम उतारें ग्राउंड के अंदर. पहले बैटिंग करना ज़रा मुश्किल होता है कराची में, तो क्या गेम प्लान होगा? देखिए बिल्कुल, अभी तो बहुत अर्ली डेज हैं कि क्या कैसे चलेगी पिच, क्योंकि कल भी आपने देखा कि लो स्कोरिंग मैच हुआ, आखिर तक मैच गया, तो अभी अर्ली ठीक है, अच्छा है. टॉस हार गए, पहले बैटिंग करेंगे, राउंड ऑन द बोर्ड करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है. चले, मलिक से भी टीम नहीं पूछी, आपसे भी नहीं पूछेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.